हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिक्वायर्ड फॉर यू। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ UIDAI की तरफ से यानी कि आधार की तरफ से एक नए पोर्टल की लॉन्च कर दी गई है जिसमें आप आधार रिलेटेड बहुत सारी सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। जो सारे सर्विस के लिए आपको जाना पड़ता था अपने आधार सेंटर में, अब वो सारा काम आप घर बैठे ही कर सकते हो। मैं बता दूँ यहाँ पर कि ये सारी सुविधा हमारे प्रॉब्लम को देखते हुए निकाला गया है ताकि हमें इन सारे भीड़ में ना जाना पड़े और हम घर बैठे ही अपने आधार से रिलेटेड जैसे भी कोई में परेशानी होता है तो हम इस साइट से अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करना है सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, इस साइट की पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या सुविधा हमें इस साइट में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बेसिकली इस साइट का मेन मकसद यही है कि आधार से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस साइट पर जाकर अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। ब्राउजर में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा myaadhar.uidai.gov.in, इसे आप देख लीजिए। और इसे जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो कोई इस टाइप का पेज खुलकर हमारे सामने आता है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू माई आधार। ठीक है, उसी के सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन। मैं बता दूँ यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विस देखने को मिलेगा, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए चलिए फटाफट हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन कैसे करना है उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन में टैप करना होगा। तो हम फटाफट यहाँ पर लॉगिन में टैप करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंटर आधार। आपको आधार इंटर करना है और साथ में जो कैप्चा दिया हुआ है वो भी यहाँ पर एंटर कर दे रहा है। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपना आधार भी दे दिया और साथ में जो कैप्चा है वो भी यहाँ पर हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP का हमारा ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर फिर से कर देता हूँ। एक बार OTP मेरा नहीं आया तो यहाँ पर मैं रिसेंट OTP कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें OTP रिसीव हो चुका है। उसी OTP को हमें यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो जैसे ही हम अपना OTP यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमारे सामने इस साइट में सारे जो इसकी सर्विस एंड फैसिलिटीज़ है वो सारे लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारे सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर जो सारे सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे जिसके लिए हमें पहले जाना पड़ता था अपने आधार सेंटर में, अब वो सारा काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप कर सकते हैं अपने आधार को डाउनलोड। यहाँ पर देख पा रहे हैं डाउनलोड आधार, इसमें आप क्लिक करके अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंड की, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर आधार PVC कार्ड। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ PVC कार्ड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं अपने PVC कार्ड को। PVC कार्ड एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा जो प्लास्टिक के कार्ड हम बनवाते हैं ना कहीं भी कोई सा ये कंप्यूटर शॉप से, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इससे ऑर्डर करते हो तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिक्योर QR कोड होता है, इसमें होलोग्राम होता है, अगोस्ट इमेज माइक्रोटेक्स होता है और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। साथ में आप इसे वॉलेट में भी कैरी कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बनाकर दिया जाता है, जो आपके जो प्लास्टिक के कार्ड बनाया जाता है शॉप में वहाँ से, तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और बस आपके यहाँ पर चार्ज भी लगती है, 50 रुपीज़, ज़्यादा नहीं लगता है। और अगर आप लोकल से बनाते हो तो आपके साथ चार्ज ज़्यादा ही लग जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर दो स्टेप गुजरना होता है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड पेमेंट, आपको इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आई हेयर बाय कन्फर्म दे आपको ओके करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह तो जो आधार में रहता है उसी एड्रेस में ही आपको ये कार्ड असेंड कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, देन उसके बाद आपको मेक पेमेंट में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। और मेक पेमेंट में जैसे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर खुल जाता है सारा पेज और आप यहाँ से पेमेंट करके अपने आधार को PVC कार्ड को भी अपने एड्रेस में मंगवा सकते हैं। ठीक है, देखिए चैनल में नहीं है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपकी जरूरत और आपकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाई जाती है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। विश्वास ना तो आप प्ले लिस्ट में वीडियोस चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अपडेट आधार ऑनलाइन, जिसमें आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज डेटा ऑफ योर आधार सब कुछ यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए, आपको बेसिकली इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर ओपन करना होगा और यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हुए हैं, उन सारे स्टेप को आपको फिलफिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं सारे स्टेप जो इसकी है वो सारे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आधार की तरफ से हमें कुछ स्टेप जो इसके सारे दी हुई है वो सारे स्टेप को हमें पहले फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही हमारा जो करेक्शन या अपडेट है उसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाला हूँ किन किन स्टेप्स आपको गुजरना होगा अपने आधार अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस चीज़ में अपडेट या करेक्शन करना है। ठीक है, सेकंड नंबर में आपको चाहिए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो अपने जो करेक्शन या अपडेट कराने वाले हो उसमें।
उसके बाद थर्ड नंबर में आपको उसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और यहाँ पर फोर्थ नंबर के ऑप्शन में हम बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा 50 रुपीज़ की, जिसे आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो या आपके जो भी जो है आप कर सकते हो UPI से भी। और उसके बाद फिफ्थ नंबर में आपको एक SRN नंबर दिया जाता है, जो कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने जो स्टेटस है उसे, ठीक है। सिक्स नंबर में जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ है, लाइक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही है, वो सारे वेरीफाई किया जाता है आधार की तरफ से। अगर उसमें कोई मिस्टेक या मिसमैच होता है तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सेवन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलता है कि आपका सारा कुछ ओके है या नहीं है, तो ये यहाँ पर आपको सेवन नंबर में देखने को मिलता है। एट नंबर में यहाँ पर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हो जाता है, तो आपको एक SMS की तरफ से आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग में डाल दिया जाता है। 9 नंबर में आपका यहाँ पर बन जाता है, जो कि 5 से 7 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस टू अपडेट आधार में चले जाना है। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो या कमेंट करते हो तो मैं वो भी आपको बनाकर दिखा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी बैंक लिंकिंग स्टेटस वगैरह सब कुछ, साथ ही साथ यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं वर्चुअल ID अपने आधार की, साथ में यहाँ पर आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने बायोमेट्रिक्स को, यहाँ पर लॉक कर सकते हो अनलॉक कर सकते हो अपने आधार को, साथ में आप ऑफलाइन eKYC भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है आधार की तरफ से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर और भी आधार से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई भी आपको चाहिए सुझाव है तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हो। और आधार से रिलेटेड अगर आपको कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक नीचे दिया हुआ है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखा है, आप उसे चेक कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन गुड बाय।